subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Assalam U Alaikum, kitchen with Mehru mein hazir hoon. Aaj main bana rahi hoon white chicken pulao. Iske liye hame chahiye 2.5 cup maine chawal liye hain, measuring cup. 2 plus half cup chawal jinhe 15 se 20 minute ke liye main bhago dungi. Half kg chicken, half cup dahi, half teaspoon jaifal jawetri powder. ये होम मेड जायफल जवेत्री पाउडर है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. हाफ कप ऑयल, ऑयल की जगह अगर आप घी डालना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल लिया है हाफ कप. वन प्लस हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, एक मीडियम साइज प्याज जिसे मैंने बारीक लच्छों में काट लिया है, 3 अदद सब्ज मिर्चें. यखनी के लिए हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, नमक हसबे जायका रखें. एक 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला साबत लिया है जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, 3 सब्ज इलायची है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, ज़ीरा है, काली मिर्च है और लौंग है. हाफ़ टी स्पून सौंफ, 2 तेज़पात लिए हैं छोटे साइज़ के. आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पैन में चिकन डाल दें और साथ ही आप इसमें साबुत गरम मसाला, सौंफ, तेज़पात और नमक डाल दें. हाफ इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 लहसुन के जवे हैं, ये भी डाल दें अगर आप डालना चाहते हैं. 2.5 कप मैंने चावल लिए हैं तो इसके बीच में मैं 5.5 कप पानी डाल दूंगी. साढ़े 5 कप इसमें पानी डाल दें और इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल दिला दें. उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे. एक उबाल आ चुका है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें. अब इसे ढककर मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम पर हम इतना पकाएंगे कि हमने 5.5 कप पानी डाला है तो 4.5 कप पानी रह जाए. अब इसे ढककर मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी. अभी 4.5 कप पानी रह गया है. तमाम चिकन को मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी. इसी यखनी में मैं चावल बनाऊँगी. 4.5 कप पानी रह गया है इसमें. अब तमाम चिकन मैंने अलग कर लिया है और इस यखनी को मैं अलग बर्तन में छान लूँगी. अब उसी पैन में मैं ऑयल डाल दूंगी. ऑयल को हल्का गरम कर लें मीडियम फ्लेम पर और इसमें कटी हुई प्याज डाल दें. अब प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाए. हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, हल्का गोल्डन कलर रखना है. जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें और इसे भी 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लें. अब अलग से जो चिकन रखा था उसे डाल के आप 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें. चिकन फ्राई हो जाए तो इसके बीच में कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और इसे भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें. 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके बीच में जायफल जवेत्री पाउडर डाल दें और साथ ही इसमें हाफ कप दही डाल दें. अब मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है. 2 से 3 मिनट मैं इसे ढककर पकने दूंगी. अब इसे मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम पे भून लें ताकि दही का जो पानी निकला है वो खुश्क हो जाए. अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें ताकि तेल भी निकल आए. जब दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए तो इसके बीच में आप यखनी जो अलग से छान के रखी थी वो डाल दें और हाई फ्लेम पर इसे उबाल दिला दें. जब यखनी में उबाल आ जाए तो इसके बीच में चावल जो भीगे हुए रखे थे उन्हें छानकर इस यखनी में डाल दें और थोड़ा सा मिक्स कर लें.
अब हमें हाई फ्लेम पर चावलों के पानी को खुश्क करना है। अब हाई फ्लेम पे हमें इस चावल के पानी को खुश्क कर देना है। अच्छी तरह से हमें पकाना है ताकि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसे, जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो इसे आप 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर दम पर रख दें। 15 मिनट हो गए हैं दम किए हुए, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं वाइट चिकन पुलाव रेडी है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वाइट चिकन पुलाव बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।